الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیو، بزرگو اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. ہر انسان کو اللہ رب العزت اس دنیا میں امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں. امتحان لینے والے ہیں اللہ، بندے کا اللہ کا معاملہ ہے، بیچ میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. بندے کا اللہ سے معاملہ، امتحان لینے والے ہیں اللہ، امتحان دینے والا ہے بندہ. امتحان کی جگہ ہے دنیا اور امتحان کا زمانہ ہے زندگی. زندگی ختم، امتحان ختم. زندگی شروع ہوئی، امتحان شروع ہوا. زندگی ختم ہوئی، امتحان ختم ہوا. تو دنیا کا نام ہے دار الامتحان، کہ یہ امتحان کا گھر ہے. اس امتحان کے گھر میں اللہ رب العزت ہر انسان کو امتحان دینے کے لیے بھیجتے ہیں، اور ہر انسان کا اللہ رب العزت امتحان لیتے ہیں. اچھوں کا بھی لیتے ہیں، بروں کا بھی لیتے ہیں، دینداروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں، اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں، پرایوں کا بھی امتحان لیتے ہیں. یہ امتحان کی جگہ ہے. یہاں نبیوں کا بھی امتحان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، کہ زمین پر میرا دوست کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ زمین پر میرا دوست ابراہیم ہے، زمین پر میرا دوست ابراہیم ہے. لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا، انہیں بھی امتحانات سے گزارا. قرآن کریم میں ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحانات سے گزارا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور وہ تمام امتحانات میں پورے پورے اترے، پورے پورے اترے، 100% پاس، 100 کے 100 نمبر. ہم آپ 33 لے لیں تو پاس ہیں. انہوں نے 100 کے 100 لیے. تو نبیوں کو بھی امتحانات سے گزارا. ایک نبی ہیں ایوب علیہ السلام،
उनको बीमारियों से गुजारा। सब्र अयूबी मशहूर है कि वो बड़े साधु शाकिर थे, बड़े सब्र करने वाले, इतने सब्र करने वाले कि उनका नाम महावरा बन गया, सब्र अयूबी। तो बीमारियों से अल्लाह ने उन्हें गुजारा। जब बीमारियां बढ़ गईं, तो शहर से निकलकर एक पहाड़ में आकर पहाड़ के गार में रहने लगे। वो गार उनके लिए आईसीयू था। जैसे बीमारी बढ़ जाती है तो कहते हैं भाई आईसीयू में रखा है उनको अस्पताल में। तो इब्राहिम तो अय्यूब अलैहिस्सलाम का आईसीयू था वो पहाड़ का गार। सब ने साथ छोड़ दिया। जब हालात अच्छे होते हैं तो सब साथ देते हैं, जब हालात बिगड़ते हैं तो सब साथ छोड़ देते हैं। बच्चों ने भी साथ छोड़ दिया, बीवी अकेली वो साथ रही उनकी उस बीमारी में, उस गार में, पहाड़ में उनकी खिदमत करती रही। जब बीमारी बढ़ गई और तकलीफ बढ़ गई तो अल्लाह से उन्होंने दुआ की, सब्र का प्याला छलक गया। सब्र अय्यूबी प्याला छलक गया सब्र का। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। वो दुआ कुरान करीम में है, नबियों की दुआएं कुरान करीम में है। रब्बी अन्नी मस्सनी अज़ुर्र وانت ارحم الراحمين। इस बीमारी ने मुझे बहुत तकलीफ अरहम الراحمين है, तमाम रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला। ये दुआ मांगी तो हुक्म आया तो सामने के पहाड़ में अल्लाह ने उनके लिए एक चश्मा जारी किया सामने के पहाड़ में और हुक्म आया कि इससे गुसल करो। उन्होंने उस पानी से नहाया चश्मे के तो सारी बीमारियां दूर हो गई। वो पहाड़, वो चश्मा और वो गार वो आज भी है, लोग उसकी ज़ियारत करने जाते हैं। हमने भी देखा जब हम जमात में वहां गए थे तो हमने वो गार देखा जहां अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी के दिन काटे थे, वो चश्मा देखा जो अल्लाह ने उनके लिए जारी किया था। आज भी लोग वहां पानी पीते हैं उस चश्मे का और कैनों में भर भर के ले जाते हैं, अपने बीमारों को नहलाते हैं कि इसकी बरकत से उन्हें सेहत होगी। हमने भी पिया वो पानी, ऐसा ठंडा मीठा पानी कि बोतलों का ठंडा पानी उसके सामने झक मारता है। हमें भी पिया तो नबी है, लेकिन अल्लाह ने उनको बीमारियों से गुजारा। कभी कभी हमारे साथियों को ख्याल आता है कितना दिन का काम किया, कितनी कुर्बानियां दी, कितनी मेहनत की, मुल्कों में सबका सफर किया, साल साल भर की जमातों में गए, पैदल फिरे मौली साहब, फिर भी कोरोना हो गया। क्या उन्होंने कसूर किया था? मुल्कों में फिरे, पैदल जमातों में फिरे, मैंने सब सुना, अपने उनको भी कोरोना हो गया। अरे मेरे भाई, ये तो इम्तिहान की जगह है। अल्लाह हरेक को अल्लाह हिफाजत फरमाए, इम्तिहान मांगना नहीं है,
लेकिन इम्तिहान आ जाए तो यह समझना है कि ये गुनाहों की माफी के लिए आया है, दर्जों की बुलंदी के लिए आया है, हमारे इम्तिहान के लिए आया है। नबियों का इम्तिहान मिसाल है कि अल्लाह ने अपने कैसे बरगुजीदा बंदों को इम्तिहान से गुजारा। तो जन्नत है जहां कोई कोरोना वरोना नहीं होगा, वहां कोई कोरोना नहीं है, कोई कोविड नहीं है, वो तो सारा ये दुनिया है, यहाँ इन सबसे गुजरना है और हर एक को गुजरना है, दीनदारों को भी, गुनाहगारों को भी, तबलीग वालों को भी। तो अल्लाह पाक अपनों का भी इम्तिहान लेते हैं, परायों का भी इम्तिहान लेते हैं, नेकों का भी, गुनाहगारों का भी। हालात लाकर इम्तिहान लेते हैं, दुनिया हालात की जगह है, ये हालात का घर है, वो जन्नत है जहां हालात नहीं होंगे। एक हाल होगा हमेशा जन्नत में, एक हाल होगा हमेशा वहां अल्लाह तबारक व तआला हर एक को जवानी देंगे, हर एक को सेहत देंगे, हर एक को खूबसूरती देंगे, हर जन्नती को अल्लाह हुस्न यूसुफ देगा, काले पीले उजले नहीं, सब का सब हुस्न यूसुफ। एक बुढ़ी आई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, हुजूर ने उनसे मजाहन ये फरमाया कि बुढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी। वो बिचारी बुढ़िया रोती पड़ गई कि अल्लाह के प्यारे नबी कह रहे हैं बुढ़ी जन्नत नहीं आएगी, मैं तो बुढ़ी हो गई, मैं कैसे जन्नत में जाऊंगी। तो वो रोती बैठ गई, हुजूर ने उनको बुला कर फरमाया कि नहीं इंशाल्लाह तू जन्नत पे जाएगी, लेकिन ऐसी बुढ़ी बुढ़ी नहीं जाएगी, अल्लाह तुझे जवान बना के भेजेगा जन्नत में, जब तुझे अल्लाह दाखिल करेगा तो जवानी देकर तुझे जवान बना के भेजेगा, तो हर एक को जवानी देगा, हर एक को हुस्न देगा, उसको यूसुफ देगा। वहां कोई बीमारी नहीं, वहां कोई परेशानी नहीं, वहां कोई हालात नहीं, वहां कोई दुख दर्द नहीं, दुनिया में सब कुछ है, यहां दिन भी है रात भी है, दिन भी है रात भी है, वहां रात नहीं है, दुनिया में दिन भी है रात भी है, सेहत भी है बीमारी भी है, खुशी भी है हम भी है, खुशी के दिन भी है हम के दिन भी है। एक ही मोहल्ले में एक घर में शादी हो रही है, बारात आई है और एक घर में जनाजा तैयार है, खुशी भी है गम भी है, बीमारी भी है सेहत भी है, दुख भी है सुख भी है। अल्लाह इन सब हालात से, अल्लाह ताला इन सारों को हालात से गुजारते हैं और गुजार कर एक एक उनका इम्तिहान लेते हैं। इम्तिहान, इम्तिहान क्या है? मुख्तसर अल्फाज में इम्तिहान ये है कि दुनिया में जीने के दो रास्ते हैं, जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं। एक रास्ता है जीने का मनमानी जी जाही, मनमानी जी जाही, जो जी में आएगा वो करेंगे, मलिक साहब दुनिया मजे उड़ाने की जगह है, यहां मजे उड़ाने की जगह नहीं मेरे भाइयों, ये मजे उड़ाने की जगह नहीं है, मजे उड़ाने की जगह जन्नत है, ये तो इम्तिहान से गुजरने की जगह है, जब यहां गुजरेंगे इम्तिहान से पास होकर तो इंशाअल्लाह जन्नत मजे उड़ाने की जगह है। तो कभी कभी ख्याल आता है कि मेरी सब दुनिया तो मजे उड़ाने की जगह है, तो ये मजे उड़ाने की जगह नहीं है। तो एक रास्ता है जी चाही मन बानी, जो जी में आएगा वो करेंगे, और दूसरा रास्ता है वो करेंगे जो अल्लाह को पसंद है, वो नहीं जो हमें पसंद है, वो करेंगे जो अल्लाह को पसंद है, वो करेंगे जो अल्लाह चाहते हैं, वो करेंगे जो अल्लाह ने बताया है। एक रास्ता है जो अल्लाह ने हमें दिया है, हमें अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, वो रास्ता कामयाब
کامیابیوں کا راستہ ہے. دنیا میں بھی کامیابی، قبر میں بھی کامیابی، حشر میں بھی کامیابی، اور کامیابیوں کی منزل جنت ہے. وہ ایک راستہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا مطلب؟ کہ حکم دیکھیں گے اللہ کا، طریقہ دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زندگی کے ہر کام میں، ہر شعبے میں، ہر قدم پر، دکھ میں، سکھ میں، بیماری میں، صحت میں، غریبی میں، امیری میں، غریبی میں، امیری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہم جس حال میں ہم دنیا میں گزر رہے ہیں اس میں ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ایک کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہمارا جی کیا چاہتا ہے، دنیا کیا چاہتی ہے، ماحول کیا چاہتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، دنیا کیا چاہتی ہے. ہماری بلا سے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا چاہتی ہے، ہم نہیں کہیں گے دیکھیں گے زمانہ کیا چاہتا ہے، ہم نہیں دیکھیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے ہمارا اللہ کیا چاہتا ہے. اللہ کیا چاہتے ہیں وہ کس نے بتایا؟ کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا پسند نہیں ہے کس نے بتایا؟ اللہ کے پیارے نبی نے بتایا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارے پیارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہتا ہے. ہمارے پیارے نبی نے اپنی طرف سے تمہیں کچھ نہیں بتایا، جو تمہیں انہوں نے بتایا ہے وہ ہے جو ان کو اللہ نے بتایا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ بتاتے ہیں جو ان کو اللہ بتاتا ہے. تو اللہ کے پیارے نبی اللہ کی طرف سے ایک راستہ لائے ہیں، جنہیں مرنے کا ایک راستہ لائے ہیں. وہ لا الہ الا اللہ. ہر کام میں دو باتیں دیکھیں گے، ہر کام میں دیکھیں گے حکم اللہ کا، حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا. جو نہیں کرنا ہے، حکم دو قسم کے ہیں، کرنے کے احکامات، نہیں کرنے کے احکامات. یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ راستہ صحیح ہے، منزل کو پہنچانے والا ہے، اللہ کو پسند ہے. یہ مت کرو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ منزل تک پہنچانے والا نہیں ہے. احکام دو قسم کے، کرنے کے احکام، نہ کرنے کے احکام. جو نہیں کرنا ہے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ جس گاؤں کو جانا نہیں ہے اس کا راستہ کیوں پوچھ رہا. لیکن جو کرنے کے احکامات ہیں، کیسے کرو، تو پیارے نبی کو دیکھو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. پرسوں مولانا بیان میں فرما رہے تھے کہ حضور سے رشتہ ہمارا اتباع کا ہے. اتباع ایک ہے، اطاعت ایک ہے، اتباع. اطاعت کہتے ہیں جو کہا ہے وہ کرو، کہ یہ کرو، حکم دیا کہ یہ کرو، اس کا نام ہے اتباع. اطاعت کا درجہ اتباع سے آگے ہے، اتباع سے آگے. اطاعت، اتباع کا درجہ، اتباع کا درجہ اطاعت سے آگے ہے. اتباع کیا ہے؟ جیسے حضور کو کرتے دیکھا ہے ویسے کرو. صحابہ نے جیسے ویسے کیا جیسے حضور کو کرتے دیکھا. ان کو بعد والوں نے دیکھا، تابعین نے، تبع تابعین نے، اولیاء اللہ نے، اور وہ ہم تک پہنچا کہ یہ کام حضور نے کیسے کیا ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے تو وہاں والوں نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کی بہت خدمت کی ہے. وضو کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس وضو کا لوٹا پانی لا کر رکھتے تھے حضور کی خدمت کے وضو کرنے کے لیے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو دیکھا ہے، آپ بتائیے حضور کا وضو کیسا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پانی کا لوٹا منگوایا، ایک اونچی جگہ پر بیٹھے اور
बहुत सुकून तसल्ली के साथ एक एक वजू करके बताया और फरमाया कि हुजूर का वजू ऐसा था। तो दीन हम तक इस तरह पहुंचा है, साहबा ने हुजूर से लिया और साहबा से तबईन ने लिया, उनसे औलिया उम्मत ने लिया। उसी को कहते हैं सुन्नत, उसी को कहते हैं सुन्नत कि इसमें हुजूर के क्या तरीका है। तो मेरे भाइयों, एक इम्तिहान है कि दुनिया की जिंदगी वैसे गुजारनी है, उस पर दो बातें देखनी है, हुक्म देखना है अल्लाह का, तरीका देखना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बंदे हैं हम अल्लाह के, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम आजाद नहीं हैं। आजादी वो तो जानवरों का तरीका है, उनके लिए कोई हुक्म नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, उनके लिए कोई हलाल हराम नहीं है। जानवर दुनिया की जिंदगी में आजाद है, लेकिन वो भी तरबियत पाके इताअत करता है। नुकेल पड़ गई, जानवर के नुकेल पड़ गई, नुकेल आसानी से नहीं डाल लेता, बड़ी मुश्किल से उसे नुकेल डालनी पड़ती है। जब उसके नुकेल डाली जाती है रस्सी से बांधकर, तो समझता है कि बस अब तो मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, मुंह में झाग आ गए, आंखें बतरा गई। लेकिन जब नुकेल पड़ जाती है तो फिर अब वो काम का बन जाता है, काम का। सीधे तरफ से खींचो तो सीधी तरफ को जाता है, बाईं तरफ से खींचो तो बाईं तरफ को जाता है, दोनों रस्सियां मिला के खींचो, दोनों नुकेल मिला के खींचो तो क्या होता है भाई? हाल्ट, हाल्ट। कोई इशारा नहीं, कोई सिग्नल नहीं, दोनों रस्सियां मिलकर खींच गई, हाल्ट। सीधी तरफ खींचो सीधी तरफ जा रहा है, बाईं तरफ खींचो बाईं तरफ की जा रहा है, दोनों मिला के खींचो, हाल्ट। ये वो जानवर है जो जिसकी तरबियत हो गई। ट्रैफिक बाईं तरफ को जा रही है, वो भी बाईं तरफ को जाता है, वो सीधी तरफ को नहीं जाता है। ये ट्रैफिक बाईं तरफ को चलती है, वो सीधी तरफ को चलता है नहीं, वो बाईं तरफ ही चलता है। क्यों? कि ट्रैफिक बाईं तरफ चलती है। तो मेरे भाइयों, ये लगाम लगेगी, लगाम जिंदगियों पर लगाम लगेगी तो ये जिंदगियां हुक्म पर आएंगी। अल्लाह का हुक्म, नबी का तरीका, उस पर कामयाबी का यकीन दिलों में आएगा। इसलिए में हमारी दुनिया आखिरत की कामयाबियां हैं। उस यकीन को पैदा करने के लिए एक मेहनत है, उस दीन को जिंदगी में लाने के लिए एक मेहनत है। दीन क्या है? दीन किसे कहते हैं? दीन कहते हैं हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यही है कलिमा, यही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि हम बंदे हैं अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, हम उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तरीका देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आदमी जिसकी मानता है उसका बंदा, बंदा कहते हैं मानने वाले को, नहीं मानने वाले को बागी कहते हैं, नहीं मानता, नहीं मानता बागी है। बाप की बात बेटा ना माने तो बाप गुस्से में आके कहता है बागी है, मेरी नहीं सुनता, नहीं मानता। अरे बाप के है बागी है, उसे हक है, और अल्लाह के है बागी है, जिसने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हम अपनी माँ के पेट से कुछ लाए थे, वो तो सब कुछ उसी का दिया हुआ है, तो वो कहे बागी है। तो बंदा कहते हैं, मानने वाले को कहते हैं बंदा, नहीं मानने वाले को कहते हैं बागी।
माने तो बंदा है, जिसकी मानता है उसकी बंदा, उसका बंदा। नफ्स की माने तो नफ्स का बंदा, जमाने की माने तो जमाने का बंदा, हालात की माने तो हालात का बंदा, दुनिया की माने तो दुनिया का बंदा, जो रू की माने तो बीवी की माने तो मैं नहीं कहता, इंसल्ट हो जाएगी। तो जिसकी मानता है उसका बंदा। हम किसके बंदे? नफ्स के बंदे? नफ्स के बंदे नहीं, जमाने के बंदे नहीं, हालात के बंदे नहीं, दुनिया के बंदे नहीं। हमने एक अहद किया है अल्लाह से, हमने अल्लाह से अहद किया है। यह अहद है कलमा, कलमा अहद है अल्लाह से, हमने तुझे रब माना है, हमने तुझे रब माना है, हम तेरी मानेंगे। हम दुनिया के नादान इंसानों की तरह नहीं है, हमने तुझे अपना रब माना है। कैसा प्यारा रब, कैसा प्यारा रब, बंदों के साथ कैसा मेहरबान, कैसा प्यार। अल्लाह ताला फरमाते हैं वइला सअलका इबादी, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे प्यारे नबी, वइला सअलका इबादी, अगर मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें, वइला सअलका इबादी, अगर मेरे बंदे पूछें मेरे बारे में तुमसे अन्नी, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूं, करीब। वही दासा लगा इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, उजीब दावत दाई इज़ा दान फल यस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मुझसे मांगो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारी हाजतें जरूरतें तुम्हारी मुरादें पूरी करता हूं। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन बंदा जब अल्लाह से कुछ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को जरूर कबूल करता है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है, बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, कबूल। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दुआ मांगी जाती है और उसका असर जाहिर नहीं होता, कभी दुआ मांगी कबूल हो गई, कभी दुआ मांगी लेकिन उसका कोई असर नहीं जाहिर हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने वो दुआ रद्द कर दी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर दुआ को अल्लाह कबूल करता है। दुआ के कबूल होने के तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो मांगा वो मिल गया। दूसरा तरीका ये है कि इसने जो मांगा वो इसके लिए उसका देना मसलहत नहीं था, कि अल्लाह वो दे दे, ये इसकी मसलहत नहीं थी, इसके लिए उसका देना मसलहत नहीं था, तो दुआ अल्लाह वो भी कबूल करता है, उसके बदले में कुछ और चीज देता है, उसका कोई बदल देता है, या कोई बला मुसीबत आने वाली थी, दुआओं की बरकत से वो बला मुसीबत अल्लाह ने उठा ली, टाल दी। जब अल्लाह की तरफ से कोई बला मुसीबत आती है तो जमीन की कोई ताकत उस बला मुसीबत को दूर नहीं कर सकती। और वाकई भाई देखो, ये हर चीज में ईमान वाले के लिए इबरत है, नसीहत है। अब ये जो कोरोना की मुसीबत आई, सारी दुनिया को उस कोरोना की मुसीबत ने हिला कर रख दिया, हिला दिया। बड़े बड़े सुपर पावर्स घुटने टेक दिए, वो कितना बड़ा है, वो कोरोना कितना बड़ा है, देखा नहीं जा सकता, नजर नहीं आता, उजला है कि पीला है कि काला है कि कैसा है। बड़े माइक्रोस्कोप जो होते हैं बड़े बड़े, उनसे देखा जाता है, इतना छोटा है कि मामूली मामूली उससे भी नजर नहीं आता। जो लेबोरेटरियों में होते हैं बड़े बड़े, उनसे देखते हैं कि कैसा है, इसको कैसे मारना है, एक जर्रे से भी
हजारवां हिस्सा, जर्रे का भी हजारवां हिस्सा खुदा की शान और कुदरत देखो, और इंसान का ज़ौफ और कमजोरी देखो, कितना मजबूर बंदा है, कितना बंदा मजबूर है, कितना बंदा मजबूर है, अल्लाह की रहमत का कितना मजबूर है कि उस जर्रे के सैकड़ों हिस्से ने दुनिया को हिला के रख दिया, बड़े बड़े बड़ी बड़ी ताकतों को हिला के रख दिया, सब घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। अरे भाई क्या लड़ेंगे, लड़ेंगे तो उसके साथ जो नजर आता है, जो नजर ही नहीं आता उसके साथ क्या लड़ेंगे, उसके साथ लड़ना नहीं है, अल्लाह के सामने घुटने टेकना है कि या अल्लाह तूने ही भेजी है ये बला, दूर तू ही करेगा, तू ही दूर करेगा। तो अल्लाह ने दिखा दिया कि इंसान कितना मजबूर है, आजीज है, मजबूर है कि इतनी छोटी सी चीज ने, अरे वो अब्राहा के लश्कर को हिला करने वाले जो अबाबील थे उनके मुंह में भी एक छोटे से कंकर थे, वो कंकर गिरते गए और वो फौज उसकी हिलाक होती गई, यहां तो कंकर भी नहीं है। एक ऐसी वाला बबा वो भला नजर भी ना आए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दुआ कबूल जरूर होती है। दूसरी दूसरा तरीका यह क्या, एक चीज आदमी मांगता है वो देना मसलहत नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला कोई और चीज देते हैं, इसे नहीं मालूम कि ये उस दुआ की बरकत से मिली है, या कोई वबा बला जो आने वाली थी वो से अल्लाह हटा देते हैं, वो दुआओं की बरकत से ये बलाएं हटती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब आसमानों से कोई बला नाजिल होती है तो दुनिया की कोई ताकत उस बला को दूर नहीं कर सकती, मोमिन बंदे की दुआएं उस बला को दूर कर देती है। एक आदमी जंगल में गया बकरियां चराने के लिए, बकरियां चरा कर जब रात को इकट्ठा करके उनको लाने लगा तो क्या देखता है कि एक बड़ी अच्छी गाय भैंस बकरी उसे किसी ने फाड़ दिया, उमर गई, इसे बड़ा रंज हुआ कि कितना अच्छा दूध देती थी, कितना दूध देती थी, मेरा सारा घर पीता था, बचता था, फिर मैं उसे बेचकर मेरे घर की जरूरतें पूरी करता, ऐसी भैंस ऐसी गाय ऐसी बकरी, किस जालिम ने इसे मारा, किसने जालिम ने इसे फाड़ दिया। तो वो उससे मैं आके कहने लगा कि अल्लाह मैं तुझे कसम देता हूं कि जिस जालिम ने मेरी इस गाय को फाड़ा है उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई, थोड़ी देर में शेर आके खड़ा हुआ, शेर उसी ने फाड़ा था, वो फाड़ के खून पी के अपना काम करके चला गया, तूने तो बुलाया है, केला जिसने मेरी गाय को फाड़ा है उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। तो लो दुआ कबूल हो गई, शेर आगे खड़ा हो गया, करो अब क्या करते हो, पहले उसने गाय फाड़ी तो अब तुझे फाड़ेगा, तुमने तो मांगी थी, लेकिन कितने मेहरबान मालिक हैं, कितने मेहरबान मालिक हैं, वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। वो नहीं देता उसका कोई बदल देता है, वो दे वो दुआ का कबूल करना मसलहत नहीं है इसके लिए, लेकिन कबूल कबूल करता है उसका कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से कोई उस दुआ की बरकत से किसी वबा बला को हटा देता है। अरे मांगे तो कोई, मांगे तो कोई, वो मेहरबान मालिक तो कहता है वही सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, मैं तुम्हारे करीब हूं, कितना करीब, वो नहनु अक्रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी जान की रक्त से शह रक्त से ज्यादा तुमसे करीब हूं। मांगो मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं, तुम्हारी मुराद पूरी करता हूं,
मेरे भाइयों, ये एक रास्ता है, उसी पर हमें जीना है, उसी पर हमें मरना है। के बंदे हैं अल्लाह के, उम्मती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, तरीका देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस पर जीने वाले का नाम है मुसलमान, इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। मुसलमान कौन है? गोश्त खाने वाला? अरे मुसलमान वो है, वो अल्लाह का हुक्म देखता है, रसूल का तरीका देखता है, उस पर जीने मरने वाले का नाम है मुसलमान। और भाइयों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि इस्लाम पर मरने की तमन्ना है तो इस्लाम पर जीना सीखो। हजरत उमर का फरमान है। हजरत उमर हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते, लेकिन नबूवत नहीं है मेरे बाद, वरना इनके अंदर वो सलाहियत है कि इनको नबी बनाया जाता। तो फरमाते हैं कि दीन पर जी मरने की तमन्ना होती है लोगों को, दीन पर मरने की। भाइयों, दीन पर मरने की तमन्ना है तो पहले दीन पर जीना सीखो। तो ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ने मुख्तसर दी है, इम्तिहान के लिए दी है। इम्तिहान क्या है कि कौन किस रास्ते पर चलता है, कौन किस रास्ते पर जिंदगी गुजारता है, उसी रास्ते का नाम दीन है, उसी रास्ते का नाम दीन है। हुक्म अल्लाह का, तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसी का नाम करीमा है, इसी का नाम, इसी रास्ते का नाम दीन है। उस मेहनत के लिए अल्लाह उस वो रास्ता एक मेहनत से जिंदगी में आता है, अपनी जिंदगी में भी मेहनत से आता है, दुनिया में भी मेहनत से फैलता है। उस मेहनत, वो मेहनत का तरीका अंबिया लेकर आए अल्लाह की तरफ से, नबी आते थे, मेहनत करते थे, दुनिया में दीन फैलता था, बेदीनी दूर होती थी, जिंदगियों से आजादी निकलती थी, अल्लाह की इताअत फरमाबरदारी आती थी। नबी मेहनत करते, अल्लाह नबियों को भेजता था। अब नबी नहीं आएंगे तो फिर दुनिया में कौन मेहनत करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो मेहनत हुजूर की बरकत से हुजूर की उम्मत को अता फरमाई। तो भाइयों, हमें एक बड़ा रास्ता मिला है, हमें एक बड़ा रास्ता मिला है। हालात की वजह से घबरा कर शैतान दो काम करता है, एक मायूस करता है और एक अमल से बिठा देता है, खौफ दिलाता है, मायूस करता है, कभी हालात से खौफ दिलाता है, कभी मायूस करता है। तो एक इम्तिहान जिससे गुजरे हैं, अभी दुनिया गुजरी है, दुनिया गुजरी है, यहां अल्लाह का शुक्र है इस वक्त 70-80 मुल्कों के लोग आए हैं, दुनिया हालात से गुजरी है, दुनिया काम करने वाले भी गुजरे हैं, तबलीग वाले भी गुजरे हैं। तो शैतान कभी मायूस करता है, कभी बिठा देता है। हदीस की दुआओं में है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अल-अज्ज़ वल कसल, कसल सुस्ती मायूसी, उसे पना मांगी है हुजूर। तो भाइयों, हमें अल्लाह ने एक रास्ता दिया है और हर मर्ज का इलाज अल्लाह ने इसी रास्ते में अता फरमाया है। हालात की वजह से घबराना नहीं। बस एक छोटा सा किस्सा मैं सुनाकर खत्म करता हूं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख साजी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्गों में गुजरे हैं। वो दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने गांव शिराज से बगदाद चले। उस जमाने में दीन का मरकज बगदाद था, खलीफा भी वहीं रहते थे, बनो अब्बासिया का जमाना था, खलीफा वहीं होते थे, सारे अकाबिर उलमा अहलुल्लाह वो सब वहीं होते थे। तो शेख सादी दीन का इल्म हासिल करने के लिए अपने गांव से, शिराज से बगदाद चले। लंबा रास्ता चलते चलते, गरीब आदमी थे,
कोई सवारी नहीं थी उनके पास, ऊंट गाय, ऊंट बक घोड़ा, तो पैदल चले, पैदल जब आते चलते चलते सख्त रास्ता, जूते टूट गए, जूता टूट जाए तो उसे लेकर चलना मुश्किल होता है, तो भारी पड़ गया जूता लेकर चलना, चुनाचे उन्होंने जूता निकाल कर फेंक दिया और पैदल ही चलने लगे। जिस जमीन पर जूते टूट गए हो उस पर पैरों का क्या हाल हुआ होगा, ऐसी पथरीली जमीन, थोड़ी देर में पैर जख्मी हो गए, आबिले आ गए, चलना भारी हो गया, तो वो एक रास्ते के किनारे बैठ गए और रास्ते के किनारे बैठकर रोने लगे। उन्हें बहुत रोना आया, किस पर रोना आया, के अल्लाह मेरे पास अगर सवारी होती तो मैं अब तक बगदाद पहुंच गया होता, और बगदाद पहुंच के क्या करते, कोई कारोबार करते, माल जमा करते, क्या करते, अरे वो तो कुरान हदीस का इल्म हासिल करने के लिए चले थे, तो कुरान सीखते हदीस सीखते, कितनी अच्छी तमन्ना थी, लेकिन पैरों में जख्म आ गए। अल्लाह अगर मेरे पास सवारी होती तो मैं अब तक पहुंच गया होता, दर्श में बैठ गया होता, मेरे पास सवारी नहीं, जूते भी नहीं, मेरे पैर भी जख्मी हो गए, मैं चलने के भी काबिल नहीं रहा। ये सोचकर वो रोने लगे। एक कैफियत होती है आदमी पर, हालात में कैफियत आती है, वो कैफियत अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होने की होती है, उस कैफियत से आदमी फायदा उठा ले तो इतना क़ुर्ब उसे अल्लाह का हासिल होता है, लेकिन हम उसे गंवा देते हैं, उससे फायदा, उस कैफियत का फायदा नहीं उठाते। तो शेख सादी रोने लगे, थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि उस रास्ते से एक अपाहिज माजूर, जिसके पैर ही नहीं है, वो उसी रास्ते से चल रहा है और उसके पैर ही नहीं है, और जिसके पैर नहीं होते वो दोनों हाथों और दोनों पैरों के सहारे से चलता है, दोनों के सहारे से, तो वो माजूर हाथ और पैर दोनों के सहारे से रेंगते हुए खिसक रहा है। तो शेख सादी को बड़ी इबरत हुई, कहने लगे अल्लाह मैं रो रहा हूं कि मेरे पास जूते नहीं है, तेरा एक बंदा ऐसा है कि जिसके पांव ही नहीं है, लेकिन वो तेरा बंदा बराबर तेरी राह में चल रहा है। उनको इबरत हुई, इबरत इबरत ये हुई कि मैं पांव जख्मी हुए, जूते नहीं है, एक तरफ बैठ गया, रास्ते से हटकर बैठ गया, तेरा एक बंदा जिसके पांव ही नहीं है वो बराबर रास्ते पर चल रहा है। तो उन्हें इबरत हुई, उन्हें एक अज़्म मिला, अज़्म, अज़्म किसी शेख से, किसी बुजुर्ग से नहीं, अज़्म किससे मिला, एक अपाहिज माजूर से अज़्म ये मिला कि इतना माजूर होकर के भी ये रास्ते से नहीं हटा और मैं हट गया। फिर वो खड़े हुए और फिर वो बगदाद पहुंच गए, फिर अल्लाह ने उनको इतना इल्म दिया कि वो शेख साथी बन गए, उनकी किताबें आज तक मदरसों में पढ़ाते हैं। और वो अज़्म उन्हें मिला किससे, एक माजूर से। तो मेरे भाइयों, हमें भी अल्लाह ने एक रास्ता दिया है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। हम दिल से शुक्र करते हैं कि हमारी तमाम कोताहियों के बावजूद अल्लाह ने हमें एक रास्ते पर डाला है, हमें एक रास्ता दिया है। बस शेख सादी की तरह रास्ते से हटना नहीं और मंजिल के सफर से रुकना नहीं। उन्हें यह अज़्म मिला उस अपाहिज से कि वो इतनी सारी माजूरी के बावजूद वो रास्ते से हटा नहीं, मंजिल के सफर से रुका नहीं। तो भाइयों, हमको भी वही अल्लाह से लेना है कि हमें एक अल्लाह ने रास्ता दिया, अल्लाह हमें इस पर जमाए, चलाए।